प्रश्नावली 2.3 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। इन समीकरणों को हल करके x जो चर x है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले अपनों को चर एक तरफ करना है, अचर राशियों को एक तरफ करना है। चर मतलब जो x, y, z वाली संख्याओं उन्हें अलग करना है, और अचर राशि मतलब गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ करना है। तो सबसे पहले अपन चर राशियों को ए लेते हैं, इसकी तरफ लेंगे। तो 3x यहीं पर है, इस 2x को बराबर के इधर लेके आएंगे। तो बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, 18। सिर्फ अचर राशि एक ही 18 और कुछ नहीं है, तो इसे ही छोड़ देंगे। अब 3x में से 2x घटा देंगे तो समान चर वाली संख्या घट जाती है। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। 1x को क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखते हैं। और बराबर में क्या है, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x का मान क्या चुका है यहाँ पे, 18 आ चुका है। समझ गए, चर राशि एक तरफ करना और अचर एक तरफ करना है। जैसे कि दूसरा सवाल लेते हैं अपन, 5t-3 बराबर 3t-5। तो चर एक तरफ करना और अचर एक तरफ करना है। चर क्या है, 5t और 3t। तो इस 5t को यहीं पे रहने दिया अपन ने, और ये 3t बराबर के इधर लाएंगे। तो इस 3t को बराबर के इधर लाए तो किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि प्लस का था। बराबर में क्या बचा, माइनस 5। और इस -3 को बराबर उधर के उधर ले गए तो ये किसका होगा, प्लस का हो गया। समझ गए, चार एक तरफ हो गए, अब अचर एक तरफ हो गए। इनको घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, 5t-3t। 5t में से 3t गए तो कितना बचा, 2t। बराबर -5 में से 3 गए तो कितना बचा, माइनस के 2। 5 में से 3 गए, 2 बचे, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस। माइनस चिन्ह को मत छोड़ना, अब हमेशा बताता हूँ मैं। अब इन दोनों, अब ये दो का जाएगा बटे में, अपन ने पढ़ चुके हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, -2, और ये दो कहाँ पहुँच गया, बटे में पहुँच गया। 2 से 2 कट गया एक बार में, लेकिन माइनस का कितना बचा, माइनस का 1। भाग दे इसलिए 1 लिखना, नहीं तो छोड़ दो आप। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, टी का मान क्या आ चुका, -1 आ चुका है। समझ गए दोनों सवाल। अब आए अपन, हर सवाल अलग टाइप का है, हर सवाल को अच्छे से बारीकी से समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं, 5x+9 बराबर 5+3x। चार एक तरफ करेंगे, 5x ऐसा कैसे लिखेंगे, 2। ये 3x बराबर के इधर आया तो किसका होगा, माइनस का। बराबर 5 और 9 बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह बदल जाएगा, 3x बराबर के इधर लेके आए, माइनस हो गया, और इस 9 को बराबर के उधर ले गए तो माइनस हो गया। बराबर में 5 था, इधर 5x था। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x। 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2x। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 4। 9 में से 5 गए तो बचा, माइनस 4। अब इस 2 को कहाँ पहुँचाएंगे, बटे में, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस 4 आया। x बराबर क्या जाएगा, -4, और 2 का पहुंच गया बटे में। गुणिक संख्या चार राशि के साथ जो भी संख्या होती है वो बटे में जाती है। तो x बराबर कितना हो गया, 2 से 4 को काटा दो बार में, 2 × 2 = 4। x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। माइनस मत छोड़ना, हमेशा बताता हूँ मैं आपको, ठीक, माइनस चिन्ह नहीं छोड़ना। चौथा सवाल लेते हैं अपन, देखो, 4z+3 बराबर 6+2z। अब देखो यहाँ पे चार क्या है, जेड। तो इन दोनों राशियों को एक तरफ करेंगे तो 4z, अब 2z इधर आएगा बराबर के उधर तो माइनस का हो जाएगा प्लस से। बराबर में क्या बचा, 6, और इस 3 को बराबर के उधर लेके गए तो किसका हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब 4z में से 2z को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 4 में से 2 गए तो 2z। बराबर 6 में से 3 गए तो क्या बचा, 3। अब ये चार राशि के साथ संख्या वो बटे में जाएगी तो ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो z की मान क्या चुका है, 3/2। समझ गए, चारों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल है अपना, 2x-1 बराबर 14-x। यहाँ पे भी 4x है तो 4 एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2x, ऐसा किसे लिखा, इस x को बराबर के इधर लेके आए तो ये माइनस से किस में होगा, प्लस का। बराबर क्या बचा, 14, और इस 1 को बराबर के उधर लेके आए तो माइनस से किसका हो गया, प्लस हो गया। समझ गए, अब यहाँ 2x और x को जोड़ देंगे, 14 और 1 को जोड़ देंगे, 2x और x कितना हो गया, 3x। ये कितना, 1x है, 2x में 1x जोड़ा तो 3x हो गया। बराबर 14 और 1 कितना हो गए, 15। अब ये 3 का जाएगा बटे में, गुणिक संख्या कहाँ जाती है, बटे में, चार राशि के साथ जो भी संख्या लिखी होती है। तो x बराबर 15/3। 3 से 15 को काटेंगे इतनी बार कट गया, 3 × 5 = 15। तो x बराबर कितना गया, 5 आ चुका। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर छठा। देखो छठे में थोड़ा सवाल अलग है, ध्यान समझना। सबसे पहले क्या कहता है, इस छोटे कोष्टक को हल करना है। अभी कुछ भी अपन बराबर के इधर या उधर लेके नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ छोटे कोष्टक में पहले क्या लिख रहा है, 3, और यहाँ क्या है, x-1। तो इस 3 का अंदर गुणा करेंगे दोनों पदों में जितने भी पद हैं,
उत्तरीय कोष्टक हल हो जाएगा। देखो यहाँ के लेंगे अपन 8x प्लस 4, 3 का x में करना है माइनस 1 में पढ़ना है, 3 का x में गुणा होगा तो 3x, और माइनस 3 का 1 में हो तो 3, ये कोष्टक हट चुका है गुणा कर दिया तो, प्लस में क्या है 7। अब इस हल करेंगे देखो यहाँ 7 में से 3 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस प्लस घट जाएगा, बाकी ऐसा कैसे लिखेंगे, एक्स 8x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 7 में से 3 गया कितने बचे 4 बचे, ये हो गया। अब ये इस टाइप का सवाल हो चुका है जैसे अपन ने 4-5 सवाल किए। अब इसमें क्या करना है, चार एक तरफ करना है और अचार एक तरफ करना है, यहाँ 8x है और यहाँ कितना है 3x, तो ये 8x 3x को बराबर के इधर लेके आए किसका हो गया माइनस का, बराबर क्या है ये 4 और ये 4 बराबर का उधर गया तो किसका होगा माइनस, समझ गए ना, 4 ऐसा कि सही ये 4 प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया, 8x में से 3x को माइनस कर देंगे कितना बचा 5x, 4 में से 4 गए तो घटा इसलिए 0, कटता तो 1 आता, अब ये 5 का जाएगा बटे में 0 पे, 5 का भाग 0 में देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं क्या आता है 0 ही आता है, एक सौ रुपये कितना जाएगा 0 जाएगा। तो ये अपना छठा सवाल भी कम्प्लीट, उम्मीद है आपको छठा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो सातवां सवाल है कि x बराबर 4/5 और कोष्टक में x प्लस 10, अब क्या करना है देखो, ये जो 5 है बटे में है तो ये बराबर के उधर चला जाएगा तो गुणे में, और ये 4 जो है इसका अंदर गुणा होगा दोनों संख्याओं में, तो 5 का x सम हुआ तो यह जगह 5x बराबर, 4 का x में करना है 10 में करना है, तो 4 का x सम हो तो 4x और 4 का 10 में हो तो 40, अब 4 एक तरफ करेंगे तो इस 4x को बराबर के इधर ले आओ तो ये 5x, 4x बराबर के इधर आया किसका हो गया माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा 40, इन दोनों को घटा देंगे 5x में से 4x गया तो कितना बचा 1x, 1x को क्या लिखेंगे सिर्फ x लिखेंगे, बराबर क्या है 40, एक सौ रुपये कितना गया 40 हो चुका। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, सात तो सवाल कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2x/3 प्लस 1, 7x/15 बराबर प्लस 3, अब देखो 4 एक तरफ करेंगे 2x/3 और इस 7x/15 को बराबर किधर ले आए तो किसका हो गया माइनस का, बराबर क्या बचा 3 और ये 1 बराबर के उधर गया किसका हो गया माइनस का हो गया, पक्षांतर कर लिया मतलब अपन ने चिन्हों को परिवर्तित कर लिया। अब देखो इसे कैसे हल करना है, परिमेय संख्याओं के योग के नियम से, माइनस के नियम से, तो 15 का 3 में गुणा करना है हर कार में 15 + 45, क्रॉस गुणा करेंगे 15 का 2 में किया 15 × 2 = 30x, यह क्या जाएगा फिर माइनस, 7 का 3 में किया 17 = 21x, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, अब ये 45 बटे में है तो ये गुणे में पहुँच जाएगा बराबर पहुँचा, और 30x में से 21x घटा देंगे, 30x में से 21x गया कितना बचा 9x बराबर, 2 का गुणा किस में करेंगे 45 में, 2 का गुणा 45 में किया तो 9x बराबर कितना गया 45 × 90, अब ये 9 का जाएगा गुणे में तो बटे में, तो x बराबर कितना जाएगा 90/9, 9 का भाग 90 में दिया कितना गया 10, तो x बराबर कितना गया 10 आ चुका है, समझ गए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं अपन लास्ट 9वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दो क्वेश्चन, 2y और यहाँ पे y, इन दोनों को एक तरफ करेंगे तो 2y, ये y इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस से प्लस का, बराबर ये क्या होगा 26/3 और ये 5/3 उधर आएगा किसका हो गया माइनस का, चिन्ह बदल गया, वाई को बराबर किधर पहुँचा प्लस हो गया, 5/3 उधर गया तो माइनस हो गया, 2y और y जोड़ेंगे कितना जाएगा 2 × 3y, ये 1y है बराबर, इन दोनों का हर समान है, हर समान है तो ऐसा कैसे लिखेंगे 26 - 5, 26 में 5 घटा देंगे तो ये कितना जाएगा देखो 3y बराबर 26 में से 5 गए कितना बचा 21/3, अब 3 से 21 को काट लो तो 3 से 21 कितना कट गया 7 बार में, और ये 3 का पहुंच जाएगा बटे में, 84 साथ संख्या होती है और बटे में जाती है, तो ये कितना 7/3, समझ गए ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन है 10वां और अपने एक्सरसाइज 2.3 प्रश्न वाली 2.3 में कंप्लीट हो जाएगी। देखो 3m - 5m बराबर -8/5, इस 5m को बराबर किधर लाएंगे, 4 एक तरफ कर रहे हैं अपन, 3m माइनस हो गया 5m इधर आया तो बराबर में क्या बचा -8/5, चिन्ह मत बदलना बस ध्यान रखना, -8/5 बचा, 5m में से 3m घटाएंगे तो -2m, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या -5 इसलिए, बराबर क्या बचा -8/5, -1 कट गया, 2 का जाएगा बटे में, अब यहाँ पे बटे में पहले से संख्या है तो उस बटे वाली संख्या के गुणे में लिखना है,
तो m बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 के गुणे में क्या जाएगा, 2, जो 2 बटे में जाएगा तो बटे में पहले से ही संख्या उसका गुणे में लिखना है, 2 से 8 को काटा 4 बार में, तो m बराबर क्या गया, 4/5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्न वाली 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको प्रश्न वाली 2.3 पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न वाली 2.4 की तरफ।